हेलो फ्रेंड्स, तो आज महाशिवरात्रि और वुमेन्स डे है और आज हम आपके पास लाए हैं कुछ ऐसे प्लांट्स जो फरवरी मार्च में लगाए जाते हैं और जिनका मजा आप मई जून तक ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गजीनिया। गजीनिया का ये सुंदर सा ब्यूटीफुल सा पौधा, जब इसके फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सूरज आपके गार्डन में उतर आया है। सूरजमुखी सनफ्लावर का पौधा लॉन्ग शूट्स पे लगता है और गजेनिया का फ्लावर जो है वो बिल्कुल एक शॉर्ट हाइट पे रहता है और बहुत सुंदर लगता है। मल्टीपल फ्लावरिंग होती है इस प्लांट में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है गजेनिया। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, डबल कलर्स जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिंगल कलर्स, हर तरह के कलर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। बहुत प्यारा सुंदर फूल लगता है और काफ़ी देर तक चलने वाला प्लांट है। ये रेनी सीजन में भी परसिस्ट करता है और अगर इसकी ढंग से केयर की जाए तो ये ऑलमोस्ट परमानेंट प्लांट है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है इस टाइम पे। इसमें फुल फ्लावरिंग चल रही है इस सीजन में। और ये एक और मेरे बालकनी गार्डन में लगा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही सूरजमुखी के फूल जैसा लग रहा है देखिए, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सन निकल के आ गया है गार्डन में। दूसरा पौधा है हमारा डहलिया। डहलिया तो सबका ही फेवरेट होता है इस सीज़न का। छोटे फ्लावर से लेके बड़े फ्लावर तक डहलिया में मिल जाता है। आजकल तो इसमें एक छोटी हाइट के डहलियाज भी आ रहे हैं। यहाँ मुझे पसंद है खूब बड़ा फ्लावर डहलिया का, बड़ा सा फ्लावर जब तक ना हो डहलिया का मुझे डहलिया का मज़ा नहीं आता है। ये देखिए कितने सुंदर बड़े बड़े फ्लावर्स हैं और अभी तक इनकी बड्स अभी भी पूरी तरह से ओपन नहीं हुई हैं। अभी इस फ्लावर ने और बड़ा होना है। ये देखिए ये फुल साइज डहलिया का, ये डबल कलर का डहलिया। डहलिया डबल कलर में भी बहुत खूबसूरत लगता है। येलो वाइट में सिंगल फ्लावर भी, सिंगल कलर फ्लावर का भी बहुत प्यारा आता है। येलो कलर का जो फ्लावर रहता है ये बहुत बड़े साइज में आता है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये देखिए ये है एक पर्पल कलर का डहलिया। तो बहुत सारे कलर्स डहलिया के मेरे गार्डन में हमेशा रहते हैं। थर्ड फ्लावर हमारा है रेननक्यूलस का। ये बिल्कुल रोज़ की लुक का फ्लावर है और ये भी बहुत, इसमें मल्टीपल फ्लावरिंग होती है जब होने लगती है। इसमें भी फ्लावरिंग जस्ट स्टार्ट हुई है। ये देखिए ये बड्स, पहली बड है इस प्लांट की और ये एक बहुत गुंधा हुआ फ्लावर रहता है। बिल्कुल इसमें बहुत सारे मल्टीपल वर्ल्स ऑफ पेटल्स आपको दिखेंगे। देखिए कितने प्यारे प्यारे पेटल्स, पूरा वर्ल दिख रहा है। ये अभी बड जस्ट ओपन हो रही है और ये फ्लावर काफ़ी हद तक खुल चुका है। ये देखिए इसमें थोड़ा से पेटल्स और ओपन होंगे और भी ये और बड़े साइज का बनेगा और दूर से बिल्कुल रोज़ का फ्लावर लगता है। आप एंटर करेंगे तो आपको एकदम लगेगा कि ये रोज़ का फ्लावर इतनी डिफरेंट लीव्स के साथ कैसे पड़ा हुआ है। ये भी फ्लावर मुझे बहुत पसंद है। ये भी काफ़ी देर तक चलता है। इस टाइम पर इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और काफ़ी देर तक ये चलता रहता है। इसमें अभी मल्टीपल शूट्स निकलती रहेंगी। रेननक्यूलस के फ्लावर को, प्लांट को ये देखिए, ये यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बड जस्ट अभी निकली ही है और कितना गुंधा हुआ इसका बड रहता है। रेननक्यूलस को भी हम जो है अगर प्रॉपर तरीके से रखें तो इसका बल्ब रहता है छोटा सा, उसको थोड़ा प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए होता है, तो हम इसको अगले सीजन में भी दोबारा लगा सकते हैं। अब ये नेक्स्ट फ्लावर हमारा है डेजी का। डेजी तो एक छोटी सी बगिया लगती है, मैंने इसको ऐसे लंबे गमले में लगाया है और देखिए कितने खूबसूरत फूल इसके आ रहे हैं। दो कलर के डेलिया, सॉरी डेजी मैंने लगा रखे हैं इसमें, तो ऐसे लग रहा है एक छोटी सी बगिया अपनी जगह पे खिल गई है। नेक्स्ट फ्लावर हमारा है जरबरा का। जरबरा एक परमानेंट प्लांट है और इस सीजन में आपको हर फ्लोरिस्ट के पास ये फ्लावर ज़रूर मिलेगा। जरबरा लॉन्ग स्टॉक और शॉर्ट स्टॉक में आता है। हमारे पास यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है लॉन्ग स्टॉक जरबरा। जरबरा के फ्लावर्स बहुत सुंदर और खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हॉली हॉक्स। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वैरायटी देखी होगी। ये हाइब्रिड हॉली हॉक्स का फ्लावर है। ये मुझे बेहद पसंद है और ये मैंने जस्ट एक बार लगाया था और उसके बाद से इसके सीड्स अपने आप से क्यारी में गिर जाते हैं और जब इसका सीज़न आता है तो ये अपने आप से इसके सीडलिंग्स ग्रो कर जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए ये पूरी एक वॉल ऑफ फ्लावर्स बन जाता है। और इतने प्यारे फ्लावर्स इस पर, ये छोटे छोटे फ्लावर्स नज़र आते हैं। देखिए कितना प्यारा डेलिकेट सा फ्लावर है। ये पूरा प्लांट फ्लावर से लदा रहता है और अभी ये बरसात और मिड बरसात तक भी, मानसून तक भी ये इसी तरह से ग्रो करेगा।
ये देखिए ये कितना बड़ा इसका प्लांट है, पूरी वॉल की तरह ये बन जाता है। छोटे से प्लांट से स्टार्ट होता है और बढ़ते बढ़ते इसने एकदम बुशी प्लांट बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से मेरा ये लॉन अलग अलग तरह के फ्लावर्स के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे। ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हम अगर उनको अच्छे से प्रिजर्व करें, इनके डेलिया के भी बल्ब होते हैं, उन्हें सीज़न के बाद अगर हम मानसून से पहले अगर हम उन्हें निकाल के रख लेते हैं तो उनको भी आप दोबारा अगले सीज़न में रीग्रो कर सकते हो। हॉली हॉक्स के बीज अपने आप से गिर के ग्रो कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो फ्लावर्स मैंने आपको दिखाए वो सब ऐसे फ्लावर्स हैं जो आप अच्छे से प्रिजर्व करें तो परमानेंट प्लांट्स हैं, अदरवाइज वो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। आज के लिए इतना ही, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप वॉचिंग।